जबलपुर बहुजन समाज पार्टी द्वारा ज्योतिबा फूले की जयंती मनाई गई, जिसमें बहुजन समाज पार्टी के नेता शामिल हुए। उनका कहना था कि ज्योतिबा फूले ने देश में महिलाओं की शिक्षा के लिए सबसे पहले आवाज उठाई थी, जिसके बाद से ही महिलाओं को पढ़ने का अधिकार मिला। लॉकडाउन के चलते कार्यक्रम उनके कार्यालय में रखा गया था, जिसमें सिर्फ कुछ लोग ही मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने इस महामारी को जल्द खत्म होने की प्रार्थना भी की। महात्मा ज्योतिराव फूले महाराज जी की जयंती के अवसर पर आज बहुजन समाज पार्टी की ओर से आज हम लोगों ने हमारे बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय में आज हम लोगों ने ऐसे महापुरुष की जयंती मनाई जो इस देश में शिक्षा के लिए, इस देश में महिलाओं को पढ़ने के लिए अधिकार दिलाने के लिए सर्वप्रथम उनने इस देश में काम किए। ऐसे महापुरुष की जयंती पर बहुजन समाज पार्टी में आज हम सभी को, नगरवासियों को बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं। और हमारे देश में और पूरे विश्व में जो कोरोना की महामारी पड़ी हुई है, उसके लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं कि जो महामारी जल्द से जल्द ख़त्म हो और बहुजन समाज पार्टी इस कार्यक्रम में सभी को धन्यवाद देते हुए